दरअसल जो स्पीड ट्रायल आपने देखे वो मथुरा झांसी की तीसरी लाइन के ऊपर हो रहे थे। यहां पर डबरा अंतरी के बीच में तीसरी लाइन का जो काम पूरा हुआ उसका निरीक्षण किया जा रहा है, सीआरएस इंस्पेक्शन चल रहा है। यहां पर मैं आपको बता दूं, ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये इंस्पेक्शन किया जा रहा है। और ये जो खास तरीका होता है, जो सीआरएस होते हैं वो देखते हैं कि क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या चीजें हैं, उन पर पूरा ध्यान रखा जाता है। और सीआरएस मोहम्मद लतीफ खान ने ये निरीक्षण किया। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब निरीक्षण किया गया उसके बाद इस ट्रैक पर जो ट्रेन है उसको 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर दौड़ा कर देखा गया, स्पीड ट्रायल किया गया। उससे ट्रैक की गुणवत्ता, रीडिंग क्वालिटी, इसको सबको परखा गया। और ये जो तीसरी लाइन है, इसके प्रारंभ होने से डबरा आंतरी रेल सेक्शन पर गाड़ियों का जो आना जाना है उसमें काफी सुगमता आ जाएगी। साथ ही साथ यहाँ एक और चीज मैं बता दूं कि झांसी रेल मंडल के धौलपुर बीना सेक्शन पर तीसरी लाइन का काम भी चल रहा है, जिसके तहत झांसी बबीना बिजरौठा ललितपुर और ग्वालियर बनमोर रेलखंड पर रेलगाड़ियों को लगातार संचालित किया जा रहा है। एक बार फिर से देखिए किस तरीके से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर सीआरएस इंस्पेक्शन किया गया।